हाँ तो दोस्तों, रतन इंडिया एंटरप्राइजेस के Q3 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको रतन इंडिया एंटरप्राइजेस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम रेवेन्यू के नंबर्स की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 24% से रेवेन्यू का नंबर बढ़ा है और ये नंबर आया है 66 लाख पे। और अगर हम लॉस की बात करेंगे तो अभी कंपनी को 5 करोड़ का लॉस हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये लॉस का नंबर 4 करोड़ पे था। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो सिर्फ 1% से रेवेन्यू का नंबर बढ़ा है और कंपनी हमें 10 लाख के प्रॉफिट में से 5 करोड़ के लॉस पे आती हुई हमें नजर आ रही है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो कंपनी के नंबर बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो अगर हम देखेंगे तो रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे काफी कम है, 1 करोड़ से भी नीचे का रेवेन्यू का नंबर है। तो एक अच्छे से एनालिसिस हम इस कंपनी का नहीं कर सकते, क्योंकि 1 करोड़ का रेवेन्यू, लगभग अगर हम देखेंगे 66 लाख का रेवेन्यू जनरेट करना कोई छोटी बात, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखा जाए तो ये एक रेवेन्यू का नंबर मेरे ख्याल से हमें इग्नोर ही करना चाहिए। जब तक ये रेवेन्यू का नंबर 1 करोड़ या 4-5 करोड़ के लगभग नहीं हो जाता है तो डेफिनेटली हमें ये स्टॉक अपने रडार पे नहीं रखना चाहिए। तो डेफिनेटली मैं तो इस कंपनी को अवॉइड करने के लिए ही बोलूंगा, क्योंकि कुछ नंबर्स हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे। हाँ, जो मार्केट में थोड़े रूमर्स वगैरह चल रहे हैं कि ड्रोन्स वगैरह के रिलेटेड काफी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। तो देखिए, ये सारी चीजें सेकेंडरी है। अगर आपके पास कोई बेस ही नहीं है तो आप कैसे ग्रो कर पाओगे, वो बहुत बड़ा मेन क्वेश्चन मुझे यहाँ पे लगता है। तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, दोनों ही बेसिस के लिए मेरी तरफ से तो यहाँ पे अवॉइड करने की सलाह होगी। दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि रतन इंडिया एंटरप्राइजेस के Q3 के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।